इमेजिन कीजिए, आप सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं, तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है। वो आपसे कहता है कि पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप तुरंत अपना वॉलेट निकालकर उनके हाथ में रख देंगे, क्योंकि जान बची रही तो पैसा फिर से कमा लेंगे। लेकिन क्या यही सच है? जान क्या पैसे से बढ़कर होती है, या ये सिर्फ एक कहावत है? वैसे लॉजिकली तो यही सच है, इंसान की जान पैसे से ज्यादा कीमती है। लेकिन असल में क्या हम इसी फिलॉसफी पर जीते हैं? अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, उन्हें तो अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें अपना काम पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है, हर रोज हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको जिंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए और ऐसो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये आदमी एक ऐसी जिंदगी चाहता है जहां उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वह आराम से बैठकर मजे की जिंदगी जिए। लेकिन इससे पहले कि वह फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग 10-12 घंटे तक काम करते हैं, काम के साथ काफी हार्ड वर्क भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनकी पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है, शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जो सेटिस्फेक्शन से भरी हो, जहां पर हर तरह का सुकून हो, आराम ही आराम हो। तो आज की जो ये ऑडियो बुक है, आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने के लिए ही लिखी गई है, बजाय इसके कि हम अपनी बारी आने का इंतजार करें, क्यों ना हम आज ही कोई रास्ता बना लें, अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। यह ऑडियो बुक समरी आपको वह तरीका बताएगी जिससे आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको थोड़ा बहुत बुक का ओवरव्यू तो मिल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा पहला माइंडसेट जो हमको तोड़ना है, वह यह बिलीफ है कि ज्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्डवर्क पर फोकस करते हैं ताकि वह ऐसो आराम की लाइफ जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा सके। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यह माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा आपसे और दूर भागता है, तो यही मनी ट्रैप है। लोग अक्सर इस मनी ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं होता किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने से पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके एनएफ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। यह जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए कितना इनफ यानी कि काफी है। अगर यह नहीं पता होगा तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और इसके बिना आप पैसों के ट्रैप पर फंस कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट कर्व की। ये हमें सेटिस्फेक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वह है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बन रहा है। ये सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है लाइफ में बेसिक जरूरतों का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े लत्ते और रहने के लिए घर। यह सारी चीजें इंसान की बेसिक नीड्स में शामिल है। अब बात करते हैं कंफर्ट जोन की। यह लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें तीनों वक्त का पेट भरकर खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, रहने को एक आरामदायक घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं।
यानी एक ऐसी जिंदगी जीना जो एक आम आदमी चाहता है। अब बात करते हैं लग्जीरियस जोन। इस लेवल पर हमारे पास सारी ऐशो आराम की चीजें होती हैं, जैसे ज्वेलरी, 5-स्टार होटल में खाना खाना, कीमती कपड़े और जूते इत्यादि। इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं पीक जोन की। यह ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे एनएफ कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना बहुत जरूरी है, यानी फुलफिलमेंट का वह हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। इनफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर पीस और ट्रस्ट है। यह वो जगह है जहां पर आपके पास सर्वाइविंग की जरूरतें मौजूद हैं, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरी पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है। यह वह लेवल है जहां पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद को कंट्रोल करने नहीं देते। अब बात करते हैं क्लटर जोन की। इस स्टेज में आप इनफ से आगे चले जाते हैं। वहां पर बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यह लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेज है। क्लटर का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहां पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंसान बस एक के बाद एक चीजों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में यह क्लटर आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज बेटर के कंसेप्ट पर यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जोड़कर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसो आराम की सारी चीजें हमें सुखी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशन बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करके फील होते हैं। लोगों को कार की जरूरत नहीं है, उन्हें बस रेस्पेक्ट और इज्जत चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है, इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सके। जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है, ये आपको अपने पैसे खर्च करने की आदत और जो पैसा आपने अपने हार्ड वर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना नहीं है। जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो यह नॉलेज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि यह आपको अपनी नेटवर्क जानने में भी मदद करेगी। दो तरीके से आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं, अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है। दूसरा, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करना। कुल मिलाकर ये कैलकुलेट करना कि पूरी जिंदगी हमने कितना कमाया। कई लोग अपनी इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रखते हैं, इसलिए अचानक उनसे ये सवाल किया जाए तो यह उन्हें थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, साथ ही बेकार की बात भी लगेगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप पैसों को लेकर अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना ही अच्छा होगा। आपका गोल है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करना। यह पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया होगा। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम गवाई है। अगला स्टेप आता है अपनी नेटवर्क जानना, क्योंकि यह जानना जरूरी है
कि इतने सालों तक लगातार हार्ड वर्क करने के बाद आपने जो कुछ भी कमाया, आखिर उस पैसे का हुआ क्या? जो आपने कमाया, क्या वो सब जादू से गायब हो गया? क्या आपके पास अभी भी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है? तो समय आ गया है अपनी लायबिलिटीज भी पता कर ली जाए, जिसमें अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना उसी चीज का पार्ट हो जहां आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहां दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफी लोन और उधार है, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। दूसरा है अपनी पास्ट और करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में हैं। कई लोगों को यह बात इसी स्टेप के बाद मालूम पड़ती है। यह डिस्कवरी उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। संपत्ति के लिए आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं या फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कुछ भी हो सकता है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे कि ई वॉलेट या डेबिट कार्ड, जबकि फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, जैसे कि आपका घर और जमीन। हालांकि आपको यह श्योर करना होगा ये क्या वाकई में आपके एसेट्स हैं, यानी कि इससे आपका पैसा बच रहा है, ना कि आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगला आता है आपकी लायबिलिटी, जो कि हर उस चीज से जुड़ी है जो आपकी है या आपने ली हुई है, जैसे कि लोन, बिल्स, बाकी के पेमेंट्स और सर्विसेज। आपको हर चीज इसमें शामिल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेटवर्थ को पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, इसमें से लायबिलिटीज को घटा दीजिए, जो भी अमाउंट बचता है वही आपकी नेटवर्थ है, जो कि आप सालों के हार्ड वर्क के बाद शो कर सकते हैं। आप ऐसे ही हवा में गैस मत कीजिए कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी। यह रिजल्ट आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से चेंज तो जरूर लाएगा। अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर काफी उधार चल रहा है, तो यह चीज आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल पाते हो, तो अब आप रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अब आपको फालतू में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है। काम क्या है? इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, अपने खर्चे पूरे कर सके। रॉबर्ट थियोबाल्ड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि काम तो ऐसी चीज है जो लोग मन मारकर मजबूरी से पैसा कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोएट खलील गिब्रन का मानना था कि काम प्यार की तरह है जो करने वाले को धीरे धीरे मारता है। अब पैसों को लेकर आपकी डेफिनेशन इनकी तरह हो सकती है, लेकिन यह सवाल हमारे सामने जरूर खड़ा रहता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या फिर सक्सेस? ऑडियो बुक का यह चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रीडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलतफहमी है उन्हें डिस्कस करेंगे, लाइफ एनर्जी के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है। इससे आपको अचीव क्या हुआ है? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीखने में, लोगों से मिलने जुलने में या चीजों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति
हमारा नजरिया एकदम बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का जमाना है जो हर कोई एडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरों के गोल पर डिपेंडेंट रहना गलत है, बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी तो सही नहीं माना जाएगा। यानी आपका खुद के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचा, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए मेहनत करते रहें। यही रीजन है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग ही डेफिनेशन हो गई है। ज़्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एम्प्लॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, या इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना एक जरूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीजें सीखने को मिलती है। एक और कारण है कि हमें सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन रीजंस में से आप देख सकते हैं इसके दो फंक्शन हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। अब काम करने के पर्सनल रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है, वह है पैसा कमाना। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन के लिए भी करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि कई लोग खुद को अपने काम से डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है उनका काम ही उनकी असली पहचान है, काम के बिना उनकी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। यानी काम को पैसे से एक चीज जोड़ती है, वह आपकी सैलरी या अर्निंग। काम के बिना उनकी जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, यानी काम को पैसे से एक चीज जोड़ती है, वह है आपकी सैलरी या अर्निंग। हमें अपनी लाइफ पैसे से नहीं डिफाइन करनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। अपने काम से डिफाइन करना छोड़ दो, अपनी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ पैसों पर फोकस मत करो। लाइफ में पैसों के अलावा अन्य चीजों पर भी फोकस करो। वर्क, काम यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पज और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीजों के तौर पर देखना शुरू कर दें जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। वर्क और पैसों के बीच के फर्क को समझने के बाद ही हम अपनी जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी जिंदगी में अपनी जॉब की वजह से नाखुश हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं तभी वह पल आता है जब हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती, यह हमारा अधिकार है कि यह हमें मिले। जब हम अपने काम और पैसों के बीच में फर्क करना सीख लेंगे तो पाएंगे कि हमारा पैसा हमारी लाइफ एनर्जी के बदले में मिल रहा है। इसलिए आप आज इसकी जितनी वैल्यू करते हैं उससे और ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे तब हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे, अपनी वैल्यूज, बिलीव और सेल्फ वर्थ के साथ। तो हम अपनी लाइफ पर्पज के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। एक बार आपने पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच जो फर्क है वह समझ लिया तो समझिए आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। ये ऐसे बदलाव होंगे जो आपको आजादी, खुशी और फुलफिलमेंट से भर देंगे। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है,
पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। अब हम जानेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। इसके लिए हम उन तीन अहम सवालों को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में है। तो बात करते हैं पहले सवाल की। जहां और जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है? यह इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर एक नज़र डाल सकें। हर कैटेगरी में यह सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्या यह आपको सेटिस्फैक्शन देता है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद ये रीजन देना चाहें कि वो चीजें क्यों खरीदते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है, इनसे हमें नॉलेज मिलती है। या फिर आप कहेंगे कि ज्यादा जूते खरीदने में तो कोई बुराई नहीं है, या अलग अलग ड्रेस के साथ चले जाते हैं। आप चाहे जितना मर्जी खुद का बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन सच तो ये है आपसे कोई भी इन खर्चों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्टेप बेस्ट तब होगा जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करे। जैसे कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो शेम। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। वो सारी चीजें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हो, वो क्या आपको आपके पर्पस और गोल के करीब लाती है जो आपने अपनी जिंदगी में सेट किए हैं, या आपकी करंट वैल्यूज के हिसाब से चीजें मैच करती हैं? यह आपको वह बकेट लिस्ट को रिमाइंड करवाने के लिए है जो आप हर साल और अपने हर बर्थडे पर बनाते हो। यह वो सारी चीजें हैं जो आपने खुद को व अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने अब तक इसमें से कितना अचीव किया है? हम सबके अपने अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं। इस सवाल का मकसद ही है आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना, क्योंकि जब आपको अपना पर्पस मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। यही वो चीज है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता, यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती? यह सवाल एक ऐसी लाइफ स्टाइल की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहां पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सोचिए कि कैसा होता अगर आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते? आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते? क्या आपके खर्चे कम होते या ऐसे ही बढ़ते रहते जैसे अभी हैं? क्या आप ज्यादा खाना खरीदते, ज्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीजों का खर्चा कम हो जाता? क्या आपको अपनी कार के लिए और ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ती, या फिर आप इसे बेचना पसंद करते? क्या तब भी आप अपने आप को महंगे पर्स व ज्वेलरी गिफ्ट करते, या फिर सारी चीजें एवरेज कॉस्ट से कम खरीदते? नो शेम नो ब्लेम, यह सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपके ज्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से हैं, क्योंकि आप ज्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हो। आपको लाइफ में हर चीज पर पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। यह समरी आपको यह रियलाइज करवाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप खूब सारी चीजें खरीद सकें, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सकें कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब
क्या और क्यों चाहिए। तो आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ।